टीवीएस मोटर कंपनी ने आरपी या रेस परफॉर्मेंस का पहला टीजर जारी किया है, जो कंपनी का एक नया सब ब्रांड हो सकता है। टीजर टीवीएस अपाचे आरटीआर 165 आरपी मोटरसाइकिल के आने का भी संकेत देता है। कंपनी ने हाल ही में नाम के लिए एक ट्रेडमार्क दायर किया है। आगामी अपाचे आरटीआर 165 आरपी 2022 की शुरुआत तक आ सकती है और यह अपाचे आरटीआर 164 वी का ट्रैक के लिए बना मॉडल हो सकता है। इस बात की संभावना है कि बाइक को अपाचे आरटीआर 164V के 160 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन से बड़ा इंजन मिल सकता है। बाइक की बेहतर परफॉर्मेंस और सेट होने वाले फ्रंट सस्पेंशन के साथ आने की संभावना है। अन्य फीचर्स में राइडिंग मोड और एडजस्टेबल लीवर शामिल हो सकते हैं। कावासाकी इंडिया ने नए साल के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई कीमतें 1 जनवरी 2022 से लागू होंगी और जापानी बाइक निर्माता की चुनिंदा मोटरसाइकिलों को कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। कंपनी की लोकप्रिय बाइक निंजा 300 की कीमत में 6000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और इसकी नई कीमत होगी 3,24,000 रुपए। हाल ही में लॉन्च की गई कावासाकी Z650RS 7000 रुपए महंगी हो गई है और इसकी कीमत होगी 6,72,000 रुपए। कावासाकी वर्सेस 1000 की कीमत में 17,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि निंजा 1000SX अब 11,000 रुपए महंगी हो गई है। ZH2 और डर्ट बाइक रेंज की कीमतें नहीं बदलेंगी। कावासाकी ने यह भी कहा है कि जो ग्राहक 31 दिसंबर 2021 या उससे पहले मोटरसाइकिल बुक करते हैं और बुकिंग की तारीख से 45 दिनों के भीतर डिलीवरी लेते हैं, उनको मौजूदा शोरूम कीमतें ही चुकानी होंगी। डुकाटी ने मिसानो वर्ल्ड सर्किट में नई V21L इलेक्ट्रिक रेस बाइक का खुलासा करते हुए समय से पहले अपने नए मोटो ई प्रोजेक्ट से पर्दा उठा दिया है। इलेक्ट्रिक रेस मशीन 2023 में शुरू होने वाले मोटो ई विश्व कप में ग्रिड को ताकत देगी। डुकाटी ने साल की शुरुआत में सीरीज के लिए सप्लायर बनने की अपनी मंशा की घोषणा की और ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में इतालवी मोटरसाइकिल निर्माता का प्रवेश का प्रतीक है। डुकाटी V21L अपने कॉन्सेप्ट स्केच से काफी मिलती जुलती है। इसमें अंडर ब्रेस डिजाइन और प्रोग्रेसिव शॉक लिंकेज के साथ दो तरफा स्विंग आर्म है। ताकत और परफॉर्मेंस के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, इसलिए रेस मशीन पर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में और जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि डुकाटी V21L के ओलेन सस्पेंशन और ब्रेम्बो ब्रेक्स परिचित लगते हैं। वहीं डुकाटी V21 एनर्जी का ईगो कॉर्सा रेस बाइक की जगह लेगी, जो वर्तमान में ग्रिड को ताकत देती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।